सर, कैसे हैं आप? खुदा मन से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। उम्मीद रखते हैं कि खैरियत से होंगे, आमीन। आज हम जो रेसिपी शेयर करेंगे वो तिक्का बोटी रोल है, जिसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे। तो प्लीज़, मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं खुदा का नाम। मेरे पास ये मैदा नहीं, मेरे पास ये आटा है, जो रेगुलर आटा जिसके हम पराठे रोटी बनाते हैं वो वाला आटा है। तकरीबन 1/2 kg के बराबर है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, बस इतना सा नमक डाल के हम इसको छान लेते हैं। आटा हमने छान लिया, डालेंगे थोड़ा सा तेल, बस इतना सा, और इसको सिंपल पानी के साथ हम गूंद लेंगे, जैसे रोटी का आटा, पराठों का आटा हम गूंदते हैं। तो मैं इसको गूंद के रख लूँ, फिर अगली आते हैं स्टेप पे, तो फिर आपसे मिलते हैं। वीवर, आटा हमारा गूंद गया, ये देखें, ना सख्त है ना नरम है, जैसे घर में रोटी का गूंदते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसको हम रखते हैं साइड पे ताकि ये रेस्ट कर ले, और आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ। चिकन हमारे पास 1/2 kg से ज़्यादा है, तो इसमें डालते हैं हम मसाले 1 by 1। ये हमारे पास कुटा हुआ ज़ीरा है, ये डालते हैं 1/2 teaspoon। टिक्का मसाला है हमारे पास, ये फुल टीस्पून है, ये ज़्यादा है। हल्दी और मिर्च 1/2 teaspoon है। नमक हम डालेंगे, कम ही डालेंगे क्योंकि सोया सॉस जाएगा तो उसमें भी नमक जाएगा। गरम मसाला है 1/2 teaspoon। सिरका जाएगा इसके अंदर 1 tablespoon के बराबर, और सोया सॉस जाएगा इसके अंदर। टाइम लग गया, ये गया सोया सॉस इसके अंदर, और ये दही जाएगा। विवर, कलर जो है ना ये अपनी चॉइस के मुताबिक है, तो मैंने दही में ही घोल लिया था। दही जाएगा इसके अंदर, ये मैं साफ़ करके बाद में डाल लूँगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 tablespoon, और चिली सॉस है, होममेड चिली सॉस है, ये देखें, फ्रेश मिर्चों की, तो ये मैं डालूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इस ये डालूँगी मैं 1 teaspoon के बराबर मैं डालूँगी। और ये चटनी है, ग्रीन चटनी है हमारे पास, अदरक लहसुन हरी मिर्च और पुदीना और धनिया पीस के मैंने रख लिया टाइम को बचाने के लिए। 1/2 mayonnaise है मेरे पास, 1/2 ketchup है मेरे पास। इसको मिक्स करेंगे सॉस बनाने के लिए, और ये जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो ये प्याज के लच्छे हैं जो रखेंगे, और ये लेटस वगैरह जो करेंगे। ये लेमन जूस है, ये भी गया, ये चलिए ये हमारा हो गया। इसको मैरिनेट करके हम छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। वीवर, 1/2 teaspoon हम काली मिर्च डालेंगे, ये बताना हम भूल गए हैं, सॉरी। तो इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, और मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और फिर इस वीवर, आटे के छोटे छोटे से पेड़े हमने बना लिए हैं। एक पेड़े को हमने रोका है आपको दिखाने के लिए, इस तरह से रोटी उसकी बेली, उस पर घी लगाया इस तरह से, ज़रा सा मैदा डस्ट किया ये इस तरह से, और इसको रोल करते गए। ये हाथ मेरे को घी लगा हुआ है इस तरह से, ये वाला घी मैं इसको इधर ऐसे लगा लूँगी, ये इस तरह से करके, और इसको मैंने यूँ इस तरह से करके, ये मेरा पेड़ा बन गया। दो ढाई चम्मच हमने ऑयल लिया, इसको अच्छी तरह से इधर खिला देंगे, और थोड़ी देर हल्की आंच पे हम इनको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। लीवर, चिकन हमारी गल रही है, साथ में हम अपने पराठे कर लेते हैं रेडी। लीवर, इसको देते हैं हम कोयले का धुआं ताकि इसमें सही तिक्कों वाली जो है ना वो खुशबू आने लग जाए।
4-5 मिनट के लिए इसको रखते हैं। अब हम करेंगे इसको असेंबल। सबसे पहले वो जो मेयोनीज और केचप हमने बना के रखी थी सॉस, उसको मिक्स किया, वो लगाएंगे अच्छी तरह से, ये यूं इस तरह से ये लगाएंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के 2 जवे और अदरक। ये हो गया, इसके ऊपर हम रखेंगे अपना लेटस ऐसे, ताकि ये नज़र आए और ज़रा प्यारे प्यारे से लगें, तो फिर खाने को भी दिल करेगा, क्योंकि पहले आंखें खाती हैं फिर बाद में मुंह खाता है। ये हमारे रेडी हो गए, ये देखें क्या बात है। इसके ऊपर रखेंगे व्यूवर्स लाइन वाइज, इस तरह से लाइन लगाएंगे यूं, और इसको हम करेंगे रोल, डालेंगे प्याज के लच्छे इस तरह से, और इसको करेंगे रोल। ये हो गया, सॉरी, ये देखें इसको यूं आना चाहिए इस तरह से, और इधर से हम कर देंगे। वीवर, ये पराठों की और टिक्का बोटी रोल की फाइनल लुक है, तो प्लीज़ आप भी बनाइएगा, और लाजमी है कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसी लगी, और ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।